हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरोपियन लैड। सो ये आज हमारा पहला व्लॉग है। जो भाई इस चैनल पे न्यू है वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना, ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सेस होती रहे। सो आज हम आपको दिखाएंगे कि आज हम किधर रह रहे हैं, कहाँ कैसी जगह होती है यहाँ स्टे करने के लिए। तो ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आज आपको इसका विजिट करवाते हैं। ये पब्लिक डोरमेट, ठीक है। सो इसका आपको सारा गोथ्रो करवाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको आज इस बिल्डिंग का विजिट कराते हैं। देख रहे हैं, ये एंट्रेंस के दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये एक किस्म की स्लाइड टाइप बनी हुई है, ये सीढ़ियों टाइप हैं। तो आपने यहाँ से आना है साइकिल के लिए। अगर साइकिल को आप अंदर लाना चाहते हैं तो वो उसके लिए यूज़ होगा। ये बेल्स हैं डिफरेंट, ना नाम भी लिखे हुए हैं जिस इस रूम की है, लेकिन ये वर्किंग में नहीं है, जो बात सीधी है। तो इसका फ़ायदा नहीं है। आपने अगर किसी को मिलने आना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज एंटर वही हो सकता है जिसके पास कीज़ हों पड़ी। जिसके पास कीज़ नहीं है वो नहीं जा सकता। फिर ऊपर से आएगा वो आपको लेके जाएगा। जैसा कि हमारे पास कीज़ है तो हम एंटर हो रहे हैं। अभी एंटर एंड पर डिफरेंट डायमेंशन है कि इसके ऊपर ना ये ऑफिस ऑन होगा। तो ये लिफ्ट एरिया, अगर आपने किसी और पर जाना है, ये ऑफिस का पोस्ट ऑफिस है। अप्लाई करना है तो इसी वर्किंग टाइम में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं रूम के लिए। फिर रिस्पॉन्स इसी टाइम में आएगा जो ऑफिस की टाइमिंग मेंशन है। ये डिफरेंट मेल बॉक्सेस हैं, जो जहाँ जैसे भी आपको कोई मेल आएगी तो इन बॉक्सेस के थ्रू आपने आके एक्सेस करनी है और देखना है कि आई है या नहीं आई। देन ये भी मेल बॉक्सेस का छोटा सा एरिया है। सो जो सेंसर है, लाइट जैसे सेंटर होती है, उनको बहुत ऑन हो जाती है। तो इसको आप कह सकते हैं बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं कि वॉशिंग एरिया पर है, वॉशिंग एरिया। सो इधर जाके अगर आप क्लोथ्स वॉश करने हैं तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। ये ऊपर ड्रायर्स हैं, नीचे मशीन्स हैं, ये जैसा कि देख सकते हैं आप। और ये कोई आपके रेंट में इंक्लूड नहीं है, इनके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा। मेंशन है पड़ा, अगर आपने जस्ट ड्रायर यूज़ करना है तो टू यूरोज, और अगर आपने दोनों को मिला के यूज़ करना है तो 450 में आपको कॉस्ट होगी। और ये ऊपर इसका पिन कोड भी आ रहा होता है, वो आपने याद रखना होता है। तो ये सारा सीन है पड़ा, ये वॉशिंग मशीन का एरिया है पड़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन ये लिफ्ट एरिया, जैसे कि अब यहाँ पर पहले से खड़ी है, अक्सर नहीं होगी तो आपको इसको कॉल करना होता है। कॉल करने के लिए वाला बटन प्रेस करेंगे फिर वो आती है, फिर उस पर आप जा सकते हैं। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ई का मतलब है ग्राउंड फ्लोर, के का मतलब है बेसमेंट एरिया, जहाँ से मैंने आपको अभी वॉशिंग मशीन का सारा दिखाया। तो हमने जाना है सिक्स फ्लोर। प्रेस करें, ये लिफ्ट स्टार्ट है, ग्राउंड फ्लोर है। वहाँ पर जो भी आपको मसला मसाला रूम के रिगार्डिंग, तो आप जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अभी ऊपर जा रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सिक्स प्रेस की है, थकी हुई है, लिफ्ट इतनी फास्ट नहीं है, बिकॉज बहुत पुरानी बिल्डिंग। सो ये चीज़ है। अब ये जो आप देख रहे हैं सामान सब, ये पेंटिंग शायद पेंट होने बिल्डिंग का, तो उसके लिए पड़े ये स्टेयर्स हैं पड़े। अगर आपने स्टूडियो के ज़रिए आना है तो ये वो जगह है, आप आ सकते हैं। हम लिफ्ट के थ्रू आए हैं तो जल्दी पहुँच गए। देन अब आपको रूम का विजिट करवाते हैं। सो ये स्मॉल रूम है, इधर जस्ट आपको इतनी सी 8 m² का होगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट कबर्ड, देन बेड है, इसके नीचे वाला ये बॉक्स मिलेगा, इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। बस ये छोटा सा ये मिलेगा आपको। देन ये जो आप डब्बा देख के परेशान ना होइएगा, ये कोई लॉकर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक का बॉक्स है। तो ये जब भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है ये चेक कर सकते हैं। ये शेल्फ बने हुए हैं, इस पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। छोटा सा फ्रिज है। देन ये आपको राउटर साथ देते हैं। ये टेबल है इस रूम की और ये चेयर है। बस आपको इतना हिस्सा ही मिलेगा इस रूम में, आपको मज़ा आ रहा होगा। ये गैलरी टाइप है। देन ये उधर जाने के डिफरेंट रूम्स हैं, एक फ्लोर पर मोस्टली 16 रूम्स हैं बड़े। तो ये गैलरी का आइडिया आपको यूँ हो सकता है। अब विंडो की साइज, विंडो भी यहाँ ओपन करने के, ये इस टाइम अभी लॉक पड़ी है। अगर आप इसको यूँ करते हैं पूरी खुल जाएगी, फुल विंडो ओपन करनी है, ठीक है। अगर जस्ट आप थोड़ा सा इसका ऊपर ही ओपन करेंगे, फिर इसको बिल्कुल ही ऊपर करके ये इतनी सी एक्सेस में आ जाएगा। अब हमने दोबारा इसको अपनी शेप में लाया तो बिल्कुल नीचे, अब ये बिल्कुल क्लोज है पड़ा। ये विंडो की सारे ना तरीके यूज़ करने का।
सामने जो देख रहे हैं ये हीटर होते हैं, मैं परेशान हूँ ये गधी की, इनको हीटर कहते हैं ठीक है, ये हीटअप करते हैं लेकिन इतनी फास्ट वर्किंग नहीं है। अब आपको किचन में लेके चलते हैं, अगर आपने यहीं बैठ के डाइनिंग करनी है खाना है तो ये आपके पास है बड़ी जगह अवेलेबल, और ये कुकिंग करनी है देन ये कुकिंग एरिया, ओवन है, जूसर है, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं ठीक है, वॉशिंग एरिया, ये सब जर्मन में मेंशन है, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किस तरह की। तो ये विंडो जैसे मैंने आपको उस टाइम ओपन करके दिखाई है उस तरह की है, ये डिफरेंट ड्रॉर्स हैं, नेम भी मेंशन है रूम्स के, तो आप यूँ देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, बस इनकी वो है कि इतना फास्ट काम नहीं करते, सही बात की जाए तो बस ये है कि काम चलता है यहाँ इस जगह पे ना। अब आपको एक और रूम का विजिट करवाते हैं, तो ये सब कुछ है पड़ा यहाँ पर, बस सुकून है, शहर से हट के जगह तो ईजीली आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन इतनी नॉइजी प्लेस नहीं, आराम से आपके दिन गुजरते हैं। ये वो रूम है, उस रूम में कुछ साफ अटैच नहीं था, यहाँ पर आपको बेसन ड्राइव ये साइड पे मिल जाएगा, देन ये डोर, अब आप इधर आ जाए, बस यहाँ पर क्या है थोड़ी सी बड़ी टेबल चेयर, वही सेम बेड, देन फ्रिज है, और ये इस तरह का ड्रॉअर है वो खड़ा है, बस आपको इतना एक्सेस मिलेगी, ये सब कुछ है। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वॉशरूम एरिया और वो दिखाते हैं, ये टॉयलेट्स हैं यहाँ के, दो तो तीन तीन होते हैं जगह पर, ये बस इस तरह का हिसाब रहता है। तो ये टॉयलेट्स एरिया है, बस 16 रूम्स के लिए तीन है, बड़ा छोटा सा बेसन है, छोटे रूम वाले यूँ देख सकते हैं। देन ये आपको बाथ एरिया में ये बाथिंग का ये पॉइंट है, बड़ा दो मिल जाएंगे और एक फ्लोर पे दो ये हैं, थ्री टॉयलेट्स हैं, ये बाहर की व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाइट्स है ना। तो मेन चीज़ ये है कि रूम्स का जहाँ तक बात है उसका ये है कि छोटे रूम का मसला ये रहता है कि आपके पास ना बेसिन की ना एक्सेस नहीं है, तो बहुत तंगी होती है। बाकी अगर आपने पैसे बचाने हैं तो छोटा बेसन टॉयलेट्स के साथ खड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर तो आपको मसला होता है छोटे रूम में देन आप आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में ये है कि जगह मिल जाए इंसान को वो बहुत होता है। अगर आप यहाँ जर्मनी आए हैं तो दिल तो बड़ा करना पड़ेगा आपको, बिकॉज़ घबराना नहीं है, जैसे खान साहब कहते हैं ना आपने, घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में मसले मसाइल होते हैं जिधर भी चले जाएं आप, तो दिल छोटा नहीं करना। अगर आप कहते हैं मसले हैं छोटी जगह है ये वो, तो फिर आप पाकिस्तानी और घर ही ठीक थे अपने, ठीक है, यहाँ हैं यहाँ फिर मुश्किल होती हैं, क्यों नहीं होती, बस आपने अगेन घबराना नहीं है, तो सब बेहतर हो जाता है टाइम के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको सारा गो थ्रू करवाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीलॉग, तो अगले वीलॉग के लिए वेट कीजिए इंशाल्लाह, जैसे आता है तो उसकी भी एक्सेस आपको मिल जाएगी। अगेन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर यूरोपियन लैंड तो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपसे, ओके गुड बाय। Oh,